इतिहास के पन्नों से। इस कार्यक्रम का आधार संकलन है इतिहास के पन्नों में। दिनांक 16 अप्रैल। 16 अप्रैल सन 1840 में इंदौर के महाराजा होलकर व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध शुरू हुआ। सन 1853 में पहली ट्रेन बोरी बंदर से थाना तक चलाई गई, जिसका अंतर था 34 किलोमीटर। ये बात आज से 169 साल पहले की है। उसके अलावा भारत में जो ट्रेनें विविध कंपनियों द्वारा चलाई गई उसके नाम कुछ इस प्रकार है। EIR ईस्ट इंडिया रेलवे, BNR यानी बंगाल नागपुर रेलवे, BBCI बॉम्बे बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवे। इसकी खासियत थी कि ये डबल डेकर थी और इसके कोच में ऊंचाई कम रखी गई थी। इसके पश्चात GIP यानी ग्रेट इंडियन पेंसिनुला रेलवे, पश्चात ABR आसाम बंगाल रेलवे। आपको ताजुब होगा, सन 1853 से सन 1851 तक रेल के डिब्बों में संडास व बाथरूम की कोई व्यवस्था नहीं थी और गांधी जी ने मुंबई से मद्रास का सफर थर्ड क्लास में यानी तृतीय श्रेणी में ₹13.06 में किया। सन 1867 में विमान शोधक बिल्बर राइट इनका जन्म हुआ। सन 1889 में हास्य कलाकार चार्ली चैपलिन इनका जन्म हुआ। सन 1903 में गुजराती लेखक स्नेह रश्मि इनका जन्म हुआ। सन 1912 में लंदन में डेली हेराल्ड ये अखबार शुरू किया गया। सन 1944 में दादा साहेब फाल्के इनका निधन हुआ। सन 1949 में अहमदाबाद आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई। सन 1966 में चित्रकार नंदलाल बोस इनका निधन हुआ। सन 1979 में ओडिशा समुद्री तूफान में 180 लोग मृत हुए। सन 1979 में अभिनेत्री लारा दत्ता इनका जन्म हुआ। सन 2005 में पोप जॉन पॉल इनका निधन हुआ। सन 1923 में कुंभारवाड़े में भावसाहेब असनारे वाचनालय की स्थापना की गई। ये बात अमरावती की है और अब वह वाचनालय तो रहा नहीं, वहाँ एक किराने की दुकान दिखती है। सन 1931 में सेठ मीनामल मनभरन दास अग्रवाल अमरावती म्यूनिसिपालिटी के अध्यक्ष बने। सन 1948 में विक्रोली में गोदरेज कारखाना बांधने परवानगी दी गई। सन 1606 में बादशाह जहांगीर का लड़का खुशरू अकबर की कब्र का दर्शन के बहाने भागकर खड़ा हुआ। सन 1917 में निकोलाई लेलिन वर्षों के बाद पुनः रूस लौटे। सन 1960 में अमेरिका से प्रशांत महासागर में केबल बिछाने का काम पूर्ण किया। सन 2019 में अखाती देशों संग भारत में भूकंप अफगानिस्तान रशिया पाकिस्तान आदि में आया। सन 1975 में माजी राष्ट्रपति राधाकृष्णन इनका निधन हुआ।